नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेठ जी क्या है? सेठ जी, आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो। हाँ रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं, चपाती मत भेजना, चावल। हाँ ठीक है। हाँ उसे एक मिनट, लाइन पे खड़ी रहे। हेलो, हाँ रामचंद्र जी। हाँ बोलिए। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है, मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं। हैं, लाइन पे रहिए। गोपी, हाँ जरा ये चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में। हैं, जल्दी कर, बता मुझे। हाँ भाई, तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए, तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5,000 रुपए जब काउंटर पे, छोटे के लिए चाहिए, अपने पास बड़े के लिए। अच्छा, छोटे के लिए नहीं है? हेलो, देखो छोटे के लिए नहीं है, बड़े के लिए चलेंगे। हैं, चावल में केले कैसे मिलाओगे? अरे अरे रेणु, तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो? है? अरे एक काम करो, चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर रहो। हेलो, देखो छोटे केले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? अरे नहीं, रामचंद्र जी, क्षमा जाता, मेरा मतलब छोटे केले नहीं है, बड़े केले हैं, चलेगा? है? हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ, लाइन पर रहो भाई। उफ, सेठ जी। हाँ, तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई। यार तू, मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा, तेरी माँ बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, भरने के लिए 5,000 रुपए नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, वो बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपए। मैंने बोला 4 तोला? पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता हूँ। सर जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको एक मिनट। हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी है, चलेगा? शादी की बात कौन बोला? अबे साले, तू अभी बोला ना शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला? सर जी, मैंने बोला मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की शादी। तूने बोला? सॉरी। पेंट। हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा है, चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी? मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार, अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई, मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास। है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो, हाँ कड़ी है। अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे अंडे को तू है क्या? लाइन पर है, एक मिनट। ओफो, हेलो रामचंद, ताला नहीं, अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी चलेगी? है? हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ। लाइन पर हो, उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? सेठ जी, मेरी बहन की शादी है। सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए। मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। गिरवी? तू? हेलो रेणुका, जरा लाइन पे रहना, बताता हूँ। रामचंद, लाइन पे रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रख के आया। बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना भेज देना। हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ तो भाई तेरी बहन मर गई। मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है। आपको पैसे देने दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बकवास सुनने नहीं है आपके यहाँ। अरे जा, कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू, है? अब अकड़ के जा रहा, अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे गोपी, इसको पकड़ो, साले को, कमीने को छोड़ना मत। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रहा, रावण की औलाद है, कमीना साला। तो तेरी माँ बेहोश हो गई। बेहोश हुई तेरी माँ, बाढ़ में जाए तेरा पैसा, बाढ़ में जाए नौकरी, बाढ़ में जाए तू, मैं जा रहा हूँ। अबे वो गवर्नमेंट वाले कभी भी आ सकते हैं निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण पास तो बिल पास, बिल पास तो चेक मिल जाएगा, चेक मिलते ही ये सड़े हुए को भाड़ा दे देंगे हम। अब जाइए आप। विश्रुनका भाव, कुछ खर्चा पानी मिलेगा? तुम लोगों ने उधार मांग मांग के मेरा सत्यानाश कर दिया।
अब जान गया बच्चा वो भाव, 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 वो इंजीनियर और कमिश्नर आले लगता है रोड का निरीक्षण करने आए हैं। ए तात्या उधर ले गया। ओए मार चल फटकर रोड के बीच में यहाँ पे। ए रुको रे रुको। ए आप यहाँ खड्डा नहीं खोल सकते। ए तू खंड रे मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है नापना है। लेकिन अगर आपको देखना ही है तो साइड में देखिए ना यहाँ देखिए। वो मैं देख लूंगा मुझे कहाँ देखना है। ए तू खंड रे। अरे कितनी मेहनत से ये रोड बना आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना वही चेक। ए तू खंड रे। एक काम करो बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के गाड़ दो और वहां लिख दो डांबर से सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो तो बहुत पहले करना चाहिए था देश तो बच जाता। कहने मैडम देखिए ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं नहीं हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला दब गया ना मसाला। कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी। बड़ी शर्म की बात है आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था। इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती है घिन आती है मुझे। बारिश का एक झपटा भी आया ना ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। गनपुले मैडम मेरी बात सुनिए। मेरे वर्करों का क्या होगा मेरे बिल का क्या होगा मेरे चेक्स का क्या होगा। मैडम मैडम ये सब नहीं चलेगा। इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। ए, जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। ए बहुत घमंडी होगी ये तू। जबान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है टपोरी हूँ मैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना जली को टिचकुले कहते हैं और बुजी को गणपुले कहते हैं। तू कोई भी होगा टिचकुले या पिचकुले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना लफंगे के मुंह मत लगे। ए, चल गाड़ी जाओ दे चल। जीजू बीजू घर पे चल। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते हैं। चले ए रंगीला गाड़ी गाड़ी बैक करके ले गए। अरे रंगीला क्या करेंगे। ये ना घर की चाबी टेबल पर पड़ी है जब ऑफिस जाओगी तो लेती जाना। चलो चलो ऑलरेडी लेट है हम लोग। चल रहे फटाफट चलो। सुनो जो कुछ भी कहना है ऑफिस में आके। मुझे आपसे कुछ काम नहीं है। मुझे आपसे कुछ काम नहीं है। गनपुले भाई सब है घर पे। वो किसी की शादी में गए हैं। मैं वैसे सिर्फ उनसे मिलने आया था। वो आदमी नहीं बेसिकली महापुरुष है। वो जितना बड़ा उनका शरीर है उतना बड़ा उनका दिल है। मेरे मजदूर भूखे प्यासे तड़पते रहते थे तब उन्होंने पैसे देकर उनकी मदद की है। और हाँ मैंने जो देश विकास का काम जो है ये धंधा पानी छोड़ दिया। तुम्हारे जैसे लोगों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा कि सड़क पर खड़े होकर भीख मांगू कम से कम चवन्नी तो मिलेगी। एक बात में तुम समझती क्या अपने आपको। तुमको क्या लगता है एक दिन सुबह उठ के तुम अपनी सच्चाई और ईमानदारी से देश को बदल दोगी। बताओ यहाँ कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो दूध का धुला हुआ बताओ। वो मेरी परेशानी नहीं है। हाँ। यहाँ पे इंजीनियर्स हैं निरीक्षण करने के लिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है हिसाब किताब करने के लिए। क्लरिकल स्टाफ है बिल्स तैयार करने के लिए। ये सब हो जाने के बाद साइन करने के लिए बिल्स आते हैं मेरे पास। उन सब की दलीलें सुनना मेरा फर्ज है। ऐसा मत समझो कि तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही हूँ। इस देश का सबसे बड़ा शराब है ब्यूरोक्रेसी। छोड़ो मुझसे तुम्हें क्या लेना देना। मैं जा रहा हूँ ये शहर छोड़ के। लेकिन गनपुले भैया के साथ कुछ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे दे के जा रहा हूँ दे देना उनको। और साथ में ये कह देना कि उनकी दरिया दिली हमेशा याद रखूँ मैं। जयराम जी की। Oh
विजिलेंस डिपार्टमेंट, आपके हाथ में जो नोट है उनके नंबर है हमारे पास। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। देखो मैडम, हमें ये जानकारी मिली है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले से रिश्वत ली है उनके बिल पास करवाने के लिए। लेकिन ये पैसे तो उन्होंने मेरे भैया को देने के लिए बोला था। ये सब न्यायालय में बताना। ये धोखा है। ये नोट्स हमने फिनोप्तलिन पाउडर में मिलाए है, अब ये पाउडर आपके उंगलियों में भी चिपक गया होगा। ये बहुत बड़ी साजिश है, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। आपका हाथ इसके अंदर डुबाइए।